ओ भाई लड्डू फेवरेट पाव भाजी, ये क्या बात है, बहुत शर्माते हो वे ब्लॉगर। मेन ब्लॉगर। हेलो गाइस, तो आज है संडे और अभी हो चुका है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो बच्चे अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बच्चे क्या खा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, हेलो गाइस, तो ये देखिए हमारे लड्डू ब्लॉगर अभी सुबह सुबह खा रहे हैं पाव भाजी। और अच्छा आपने बना के दिए इनको पाव भाजी, तो अच्छा इधर हमारा भानु भैया। ओ भाई ये हमारे हैं भानु भैया और ये कर रहे हैं चोप चोप, और उसके बाद ये बनाने वाले हैं मोटकी चाट। पिछले संडे हमने खाई थी चने वाली और इस बार हम बनाने वाले हैं मोटकी चाट। तो हमारा भानु भैया लगा पड़ा है इसके अंदर और फ्रिज के अंदर भाई ये भर के रखता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके आता, मुझे समझ से बाहर है क्या है भाई ये, उठिया चीज़ें सारी ले आता तो ना। और तो गाइज, और इधर हमारा लड्डू ये खा रहा है पाव भाजी और साथ में है शोना दीदी, और ये इधर है हमारी मैम इंदु जो सबको पाव सेक सेक के दे रही हैं, और इधर इन्होंने बटर रख रखा है। तो गाइस देखते हैं आज संडे को क्या होने वाला है, हम कहाँ जाते हैं, घर पे रहते हैं या घूमने जाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या इतनी गर्म तवा थोड़े ना रख दिया यार, ये बाजी पाव भी तो है। क्या बात, आराम से खा ले। हेलो गाइस, तो करते हैं अब चीयर्स और उसके बाद शुरू होता है हमारा ब्रेकफास्ट। भानु बना के लाए हमारे लिए मोटकी चाट, तो भाई पिछले संडे को भूल जाइए और अब खाइए मोटकी चाट। हेलो गाइस, क्योंकि मुझे है वीट से एलर्जी, इसलिए मुझे चाहिए हर दिन वीट फ्री खाना, तो आज मैं खाऊंगा मोटकी चाट और उसके बाद शुरू करते हैं बाहर घूमना घूमना। तो दोस्तों पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे बाहर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, और आज हमारे साथ में है छोटा भाई चंदन। भाई ये कह रहा था व्लॉग में नहीं आऊंगा, आज मैंने इसको पकड़ लिया, ये गाड़ी से छलांग तो मार नहीं सकता, तो इसकी मजबूरी आज ये व्लॉग में आएगा। तो भाई कैसे हैं आप सब, तो अभी हम जा रहे हैं राजस्थान सेलवाला गांव में, सेल वाला खुर्द में, तो अभी हम एक शादी अटेंड करके वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, रास्ते में आपको दिखाएंगे अगर कुछ खास मिला हमें, नहीं तो हम घर पे जाके फिर आपसे वीडियो पे बात करते हैं। हेलो, हेलो गाइस, तो शादी से आने के बाद हम गए थे मंदिर, और मंदिर जा कर के जब हम घर वापस आए तो आज का सारा दिन इस तरह से सोचने में निकल गया कि होली कब है। तो भाई किसी को भी नहीं पता होली कब है, 7 की है खेलने वाली या 8 की है, तो कल जब जाएंगे बाज़ार तो तभी पता लगेगा कि होली खेलने वाली कब है, तो उसी दिन हमारी छुट्टी होगी, तो उस दिन भी हम एक व्लॉग बनाएंगे, तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, भानु भाई भी हमारे पास बैठा है, वो भी अभी जाएगा सोने के लिए। तो गाइस गुड बाय।